हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड टुडे वी आर प्लेइंग सेटिस्फैक्ट्री। सो फाइनली अपन लेके आ चुके हैं एक और सेटिस्फैक्ट्री का एपिसोड। सो गाइस, लास्ट वाले एपिसोड में यार हमने फाइनली कुछ हार्ड ड्राइव्स फाइंड करी थी प्लस पावर सेट्स, ठीक है। सो मैंने कुछ और फाइंड कर लिए, वैसे अपने पास काफ़ी सारे पावर सेट्स हो चुके हैं। प्लस सबसे अच्छी बात ये कि हम जो रेसिपी का ट्राई कर रहे थे, ठीक है, वो रेसिपी मेरे को मिल चुकी है, ठीक है। सिर्फ मेरे को बार बार ही रिसर्च नहीं करनी पड़ी, ओनली सेकेंड हार्ड ड्राइव में मेरे को रिसर्च मिल चुकी है, डायलेटेड पैकेज्ड फ्यूल। सो ये वाली रेसिपी मेरे को चाहिए थी और ये वाली मेरे को मिल चुकी है। सो मैं ये वाली एक्सेप्ट करने वाला हूँ और करने वाला हूँ कन्फर्म। ओके, सो ये वाली रेसिपी मेरे को मिल चुकी है और अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि करने वाला हूँ पहले गेम सेव, क्योंकि कोई रिस्क नहीं चाहिए भैया, क्योंकि अपने को ये रेसिपी चाहिए थी। सो यहाँ पे अपन एक सेव कर लेते हैं, 51.1 के नाम से मैं सेव कर ले रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे अपना गेम भी हो चुका है सेव। प्लस मेरे को लग रहा है कि ये यहाँ से अपने को अनलॉक करनी पड़ेगी, मे बी यहाँ से कहीं से TS6 नाउ यहाँ पे नहीं है, नहीं मे बी अनलॉक नहीं करनी पड़ेगी, शायद वो आ गई होगी। रिफाइनरी पे चेक कर लेते हैं, डाइल्यूटेड फ्यूल की अपने को रेसिपी चाहिए थी एक्चुअली। सो भैया, डाइल्यूटेड फ्यूल की रेसिपी कहाँ पे डिस्प्ले होगी? ओ ये रही डाइल्यूट, देख रहे हो, अल्टरनेट रेसिपी, डाइल्यूटेड पैकेज्ड फ्यूल। ओके, सो इसका इस्तेमाल करके अपन बनाने वाले हैं अपनी फैक्ट्री। सो मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि इसके लिए मेरे को आपको वेबसाइट पर लेके जाना पड़ेगा एक बारी और वहाँ से बताना पड़ेगा कि भाई ये रेसिपी वर्क कैसे करेगी। ओके, सो चलो फिर मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट पर लेके जाके। ओके, सो गाइस अभी अपन आ चुके हैं वेबसाइट पर, ठीक है। आप लोगों को दिख रही होगी satisfactorytools.com और वहाँ पर आ चुका हूँ मैं कैलकुलेटर पर। ओके, और यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन का दिया हुआ है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे करके और एक न्यू प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ अपने लिए नई कुछ ऑप्शन खुल जाते हैं, नए ऑप्शन। सो यहाँ पे अपने को प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होता है। सो जैसे मेरे को यहाँ पे अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे दिखाई देंगे। सो मैं फाइंड करता हूँ फटाफट फ्यूल पे, ऐप पे जाके ये रहा फ्यूल। सो अपने को फ्यूल बनाना है। सो भैया मेरे को कितना फ्यूल बनाना है? सो मैं मान लेता हूँ मेरे को 1000 फ्यूल बनाना है, ठीक है। सो उस 1000 के हिसाब से यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करके देगी वेबसाइट कि भैया अब तो भैया आपको क्या क्या करना पड़ेगा 1500 फ्यूल बनाने के लिए, मतलब 1000 फ्यूल बनाने के लिए। ओके, सो सबसे पहले देख रहे हो लास्ट में 1000 फ्यूल अपना बन के निकल चुका है। सो नॉर्मली क्या होता है कि अपनी जो डिफॉल्ट रेसिपीज है ना उससे ही कैलकुलेट हुआ है। सो डिफॉल्ट रेसिपी में अगर अपन कैलकुलेट करेंगे, सो क्रूड ऑयल अपने को चाहिए होगा, अभी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 1500 क्रूड ऑयल पर मिनट चाहिए होगा। सो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 25 रिफाइनरी बनानी पड़ेंगी, उससे अपने को फ्यूल बनाना पड़ेगा। सो डिफॉल्ट वाली रेसिपी का इस्तेमाल अपना यहाँ पे होगा जो कि फ्यूल बनाएगी प्लस पॉलीमर रिजाइन बनाएगी, ठीक है। सो 750 पर मिनट अपने को पॉलीमर रिजाइन मिलेंगे। सो इस तरह से अपना फ्यूल बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर अपन यहाँ यहीं पे अगर अपन रेसिपी का इस्तेमाल करते हैं, मैं जाता हूँ रेसिपीज वाली ऑप्शन पे यहाँ पे, और यहाँ से देख रहे हो अल्टरनेट रेसिपी यहाँ पे सारी, और यहाँ पे सारी बेसिक रेसिपीज यहाँ पे आपको दिख रही होगी। सो बेसिक वाली ये है फ्यूल वाली, अगर अपन 6 क्रूड ऑयल देंगे तो 4 फ्यूल प्लस 3 पॉलीमर रिजन बनेंगे, लेकिन मेरे को अल्टरनेट वाली चाहिए। डीप पे जाएंगे तो अपन यहाँ पे डायलेटेड फ्यूल वाली देख रहे हो, ये वाली रही डायलेटेड फ्यूल वाली। सो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। सो यहाँ पे क्या होगा कि एक हैवी ऑयल रेजिड्यूल के साथ अगर अपन दो वाटर मिला देंगे तो अपने को दो पैकेज्ड फ्यूल मिलेगा। सो देखना इससे कितना फर्क पड़ता है। मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ से इसको कोलैप्स कर देता हूँ। सो देख रहे हो भाई, ये वो वाली रेसिपी का इस्तेमाल अभी हो के और यहाँ पे एक डायग्राम बन चुका है। सो यहाँ पे दिख रहा होगा ना कि भैया 1000 फ्यूल बन चुका है यहाँ पे, नाइस। और यहाँ पे अभी देख रहे हो कि हाफ हो चुका है क्रूड ऑयल, पहले 1500 था, अभी 750 हो चुका है सिर्फ इस रेसिपी की वजह से। सो ऐसा कैसे होगा कि अपने को 750 क्रूड ऑयल देना है, उसके लिए अपने को 25 रिफाइनरी लगेंगे। लेकिन अभी अपन क्या करेंगे, पहले रबर वाली रेसिपी इस्तेमाल करेंगे, पहले अपन रबर बनाएंगे। सो रबर वाली रेसिपी में क्या होता है कि जितना रबर बनेगा उतना हैवी ऑयल रेजिड्यूल बनेगा, ठीक है। सो 750 में 500 रबर बनेगा अपना और 500 ही हैवी ऑयल रेजिड्यूल मिलेगा। अब क्या करना पड़ेगा हैवी ऑयल रेजिड्यूल के साथ में अपने को, कि उसको ना पानी मिलाना पड़ेगा उसमें। अगर अपने पास 500 हैवी ऑयल रेजिड्यूल है तो रेसिपी के हिसाब से अपने को डबल मिलाना पड़ेगा, यानी 1000। सो 1000 वाटर अपने को लेना पड़ेगा, उसके लिए अपने को 16.67 यानी ऑलमोस्ट 17 रिफाइनरी चाहिए होंगी 1000 वाटर पर मिनट के लिए। सो वो वाला वाटर प्लस हैवी ऑयल रेजिड्यूल दोनों मिक्स करेंगे और उसके बाद जो अपना फ्यूल बनेगा वो बनेगा 1000 पैक्ड फ्यूल बनेगा। उसके बाद अपने को फिर से 17 रिफाइनरी चाहिए होंगी, जो कि जो पैक्ड फ्यूल था उसको अनपैक करेंगी और अपना फ्यूल बनाएंगी, ठीक है। अनपैक करके मतलब कंटेनर्स में भर देंगी और जितने भी कंटेनर निकलेंगे खाली वो वापस भेज देंगे। सो यहाँ से अपन कुछ अपन
अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने को क्या कैसे बनाना है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना कि भाई अपना वाटर ले सकते हैं, लेकिन वाटर को पैक करने के लिए कंटेनर भी चाहिए होंगे। सो कंटेनर अपने को स्टार्टिंग में एक बार बनाने पड़ेंगे, प्लास्टिक से बनते हैं वैसे तो, बट अपने को थोड़े कंटेनर बना लेने, ठीक है। उसके बाद अपन एक साइकिल बना सकते हैं, देख रहे हो, यहाँ से अपन वाटर भरेंगे, ठीक है, यहाँ से, और वो जाएगा रिफाइनरी में पैक होके कंटेनर के साथ में, और यहाँ से कंटेनर के साथ में वापस आएगा फ्यूल के साथ में। लेकिन यहाँ पे कंटेनर निकाल दिया जाएगा और पाइपों के जरिए फ्यूल जाएगा। सो अपन उस कंटेनर को वापस यहाँ पे भेज के और वापस से भर के सो एक सर्कल बना सकते हैं, यहाँ पे एक साइकिल बना सकते हैं। सो वो भी अपने को करना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड है लेकिन अपन कर लेंगे। सो अभी देख रहे हो ना आप एक रेसिपी का इस्तेमाल करके अपना कितना हाफ क्रूड ऑयल बच चुका है, मतलब 1500 की जगह अपन अभी 750 का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसी तरह से अपने को यहाँ पे आके रेसिपीज़ वगैरह जो भी रेसिपी अपने को चाहिए, देख रहे हो अल्टरनेट वाली बहुत सारी रेसिपीज़ हैं यहाँ पे। सो ये सारी सारी रेसिपी अपने को ट्राई करना है कि रिसर्च कर करके अपन ले लें। सो एक वाली डाइल्यूटेड पैकेज फ्यूल वाली, ये वाली रेसिपी मैंने ले ली है, प्लस दूसरी वाली थी इंगट वाली, ये कास्टेड स्क्रू वाली। अगर अपन 5 आयरन इंगट देंगे तो उससे 20 स्क्रू मिलेंगे। सो फर्स्ट वाली से ये निकला था, सेकंड वाली से अपना ये निकल चुका है डाइल्यूटेड फ्यूल वाला जो अपने को चाहिए था, ये वाली रेसिपी। सो मैं ट्राई करूंगा कि अपनी और भी हैं जो हार्ड ड्राइव, उन सबको अपन रिसर्च कर लें, ठीक है, और जितनी अपन ज़्यादा ले सकते हैं उतनी ले लेते हैं, ठीक है, जितनी भी अल्टरनेट वाली है रेसिपी, और ये अपनी वाली है नॉर्मल वाली रेसिपी, ठीक है। यहाँ पे अपना पूरा डायग्राम आ चुका है। सो यहाँ से अपन कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब जो आपका मन करे वो चीज़ अपन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रूड ऑयल अपने मतलब कितना रिसोर्सेज है मैप में, एक्चुअली मैंने उसका एक स्क्रीन शॉट खींच के रखा हुआ है, सो मेरे को फाइंड करना पड़ेगा पहले, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। ओके, ये रहा। सो ये अपना डायग्राम है एक्चुअली, और अभी आप देख रहे हो क्रूड ऑयल मतलब कंप्लीट मैप में ओनली 750 करोड़ ऑयल है, मतलब 7500 करोड़ ऑयल ओनली मैप में। सो एक रेसिपी मतलब ये वेबसाइट से मैंने उठाया है कि कितना रिसोर्सेज है कंप्लीट मैप में। सो बॉक्साइट ओनली 7850 है, कैटेरियम 11040 है, कोल 30900 है, कॉपर 28860 है, सबसे ज़्यादा आयरन ओर है भाई अगर अपन रिसोर्स की बात करें तो वाटर को छोड़ के, क्योंकि 70000 है। लाइमस्टोन भी बहुत है, 52000, रॉक कोर्स भी काफ़ी है, वैसे 10000 ज़्यादा तो नहीं है खैर, लेकिन ठीक है, वैसे ज़्यादा तो नहीं है खैर, ये भी ठीक ही है क्योंकि रॉक कोर्स की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। सल्फर भी लिमिटेड ही है, 6800, और यूरेनियम बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, ओनली 1800, और वाटर तो भाई अनलिमिटेड है, वाटर जितना चाहे अपन उतना ले सकते हैं, और अपन ट्राई करेंगे कि जितना ज़्यादा वाटर का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो क्रूड ऑयल 750 है, और अब भी अपन 10000 अपना फ्यूल चाहिए, तो अभी देख रहे हो डाइल्यूटेड फ्यूल अगर अपन इस्तेमाल करेंगे तो ही बना पा रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल 7500 ही है भाई, अगर मैं इसमें जरा सा भी नंबर इंक्रीज कर दूंगा ना तो वो कैलकुलेट ही नहीं करवाएगा। सो मेन पंगा ये है इसका। ओके, सो अभी अपन चलते हैं वापस ही अपने गेम में, और भाई अपनी करते हैं फैक्ट्री स्टार्ट, सो लेट्स गो। ओके, सो गाइज वापस आ चुके हैं अपन अपने गेम में, और मैंने काफ़ी कुछ बना लिया, ठीक है। सो भाई साहब देख लो यहाँ पे, ये जितने भी पाइप हैं मैं वो सारे ले आया हूँ यहाँ तक। ओके, और हमारे पास यहाँ पे करीब 10 पाइप्स हैं, सो 10 में से 9 पाइप हैं वो कंप्लीट 300 करोड़ लेके आ रहे हैं, ठीक है, और एक ये जो वाला पाइप है कॉर्नर वाला, ये वाला, ये लेके आ रहा है 150। सो टोटल हमारे पास 2850 क्रूड ऑयल है, और भाई इनको बनाने में काफ़ी टाइम लग गया, करीब 2 घंटे लगे हैं, ठीक है, इनको कंप्लीट बनाने में, और सभी के अंदर मैंने पावर सेट्स लगा दिए, और मैं बोल रहा था कि यहाँ पे यार काफ़ी ज़्यादा नोट्स ख़राब हैं, लेकिन ज़्यादा नोट्स ख़राब नहीं थे बिकॉज क्योंकि नॉर्मल वाले थे, और मैंने सबके अंदर पावर सेट्स लगा के देख रहे हो 300 निकाल रहा है परमानेंट, और वैसे शायद ये नॉर्मल वाला है, ठीक है, और अपना पाइप भी हैंडल नहीं कर सकता 300 से ज़्यादा। सो एक अच्छी बात है कि अपने पास नॉर्मल वाले थे नोड, और अपने को पावर शेड का इस्तेमाल करके और अपन ने कंप्लीट 300 निकाल लिया। सो यहाँ इस तरफ शायद ये 3 हैं जो 150 निकाल रहे बस। ओके, सो उन दोनों को मैंने एक साथ मर्ज कर दिया एक पाइप में, और ये वाला अकेला है जो 150 वाला है, ठीक है, और यहाँ पे पावर क्यों नहीं आ रही है, पावर ब्रेक हो गई है क्या? हाँ साहब, ओ अच्छा दूर से ऐसा लग रहा है ये, ओके, और ये वाला, चलो ठीक है सारे चल रहे हैं दूर से, मुझे लगा बंद हो गया एक्चुअली, मैं सारे ले आया हूँ, ठीक है, वहाँ से कनेक्ट करके मैं ले आया हूँ पाइप्स, और ये देख रहे हो ये राइट वाला, इसके अंदर ये वाला मर्ज कर दिया और ये साथ साथ आ रहा है, ठीक है।
सो एकदम अच्छे से मैनेज कर दिया है मैंने। और भाई हमने जो वेबसाइट पे कैलकुलेशन करी है, ठीक है, उस हिसाब से 2850 जो अपने पास क्रूड ऑयल है, इसके जरिए अपन करीब 3800 फ्यूल बना सकते हैं, ठीक है, उस वाली रेसिपी का इस्तेमाल करके। सो अभी अपन चलो यार स्टार्ट करते हैं, ओके, क्योंकि पावर का भी अपने को देखना पड़ेगा ना, अपने पास ज़्यादा पावर है नहीं, ओनली 1800 ही है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक पाइप से अपन स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि एकदम ना परफेक्ट बनेगा, देख रहे हो वो कैसे, कि भैया एक रिफाइनरी को ना 30 चाहिए होता है, और अपना एक पाइप लेके आ रहा 300, तो 10 रिफाइनरी में एक पाइप आराम से बन जाएगा। ओके, सो अपने को बनाना था रबर, सो यहाँ पे 30 पर मिनट चाहिए, ठीक है, ओनली। सो अपन यहाँ पे 10 रिफाइनरी बनाते हैं, और फिर एक पहले एक पाइप से अपन सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद पावर जनरेट करते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद बाकी पाइप से अपन स्टार्ट करेंगे। सो मे बी मेरे को यहाँ पे एक पावर पोल और लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई पावर पोल नहीं है। ओ, यहाँ से मैं ले आता हूँ इधर वापस, ठीक रहेगा ना। ओके, तो एक यहाँ पे बना लेते हैं, लास्ट एक इसके ऊपर बना लेते हैं। चलो भैया पावर भी आ चुकी है, पावर देख लो भाई 1800 ही थी अपने पास जो कि पोल वाली है, और उसमें से कुछ खास इस्तेमाल हो नहीं रहा बिकॉज सारे पाइप भरे हुए हैं, और सारी मशीन एक साथ चल गई ना, तो वैसे सर्किट ब्रेक हो जाएगा अपना, सो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो मे बी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दो ब्लॉक छोड़ देता हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है, और उसके बाद अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मे बी पीछे भी दो ब्लॉक छोड़ने चाहिए क्या अपने को? ओके, मे बी यहाँ से कर लेते हैं अपन, पीछे मैं 3 ब्लॉक छोड़ देता हूँ, या फिर यही काफी रहेगा, 2 ब्लॉक्स काफी रहेंगे मे बी। चलो भाई 1, और मे बी एक साइड बना देता हूँ 10 रिफाइनरीज। ओके, ओ भाई पाइप, और हाँ यार मैंने यहाँ पे स्टोरेज बना रखी है, ठीक है, काफ़ी सारी, और इन सबके अंदर रिसोर्सेज फिल कर दिए मैंने। ओके, सो थोड़े पाइप में उठा लेता हूँ, जिन जिन की ज़रूरत है ना नॉर्मली अपने को, वो सारे ले आया हूँ मैं, क्योंकि बार बार यार फिर अपने को जाना नहीं पड़ेगा फैक्ट्री पे। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हो गई ना, 3 3 6 7 8 हो गई भाई, 9, और ये हो चुकी है 10 रिफाइनरी। ओके इजी, और इन सब में अपने को सेट करनी पड़ेगी रबर वाली। ओके, सो फर्स्ट हो गई है रबर वाली, सेकंड हो चुकी है, सो सबके अंदर में भी एक लाइन परफेक्ट पर करेगी, और अब भी इन सबको पावर देनी पड़ेगी। सो पावर का पीछे की साइड है ना, सो ये देख रहे हो पावर वाला ये सिस्टम पीछे की साइड है। सो ओके, यहाँ से ले लेता हूँ फिर मैं पावर, ठीक है। सो क्यों ना इसको मैं यहाँ पे रख लूँ। ओके, और एक यहाँ पे पावर पोल रख लेता हूँ, प्लस एक रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो मे बी मशीन स्टार्ट हो गई ना, ओ ये नाइस, ओ भाई साहब रबर वगैरह और ये सब बनना स्टार्ट, बढ़िया। ओके सो, अरे ओके सो सबके अंदर आ चुकी है पावर और सारी मशीनें, ओ सेव करना था, ओके हो गया। ओके सो सबके अंदर पावर आ चुकी है और सारी मशीनें वर्क भी कर चुकी हैं, ठीक है, जहाँ तक क्रूड ऑयल आ चुका है भाई अपना। ओके ग्रेट, बस थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि सभी के अंदर फिल होगा ना, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि फर्स्ट वाली देख रहे हो पहले फिल हो चुकी है, फिर सेकंड वाली भी हो गई है, थर्ड वाली भी हो गई है, और मे बी यहाँ पे थोड़ा कम होगा, ठीक है, ये धीरे धीरे फिल हो रही है वैसे, क्योंकि आगे भी इस्तेमाल हो रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद ये फिल हो जाएगी। ओके सो अब भी अपने साथ चैलेंज ये है कि भाई साहब यहाँ पे जो आउटपुट में निकल रहा हैवी ऑयल रेजिड्यू निकल रहा है, ठीक है, और रबर भी निकल रहा है, सो इन दोनों को अपने को स्टोर करना पड़ेगा यार, है ना, मेन चैलेंज ये है। सो मे बी मेरे को क्या लग रहा है, ओके सो आउटपुट ऑलमोस्ट कनेक्ट हो गया, बस थोड़ा सा बच रहा है, दो चार ही कनेक्ट करने हैं बस ओनली। ओ ये क्या थोड़ा तिरछा बन गया क्या? ओके सो पता नहीं क्या इशू यार इसका बन नहीं रहा है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि 2D पे बना दे रहा हूँ फिर, ठीक है,
तीन पाइप्स मैंने 2D पे बना दिए, बाकी सारे वर्टिकल पे हैं। ओके नो इशू। और यहाँ पे क्रूड ऑयल सॉरी हैवी ऑयल रेजिड्यूल आ चुका है, देख रहे हो यहाँ पे भी कंप्लीट फिल हो चुकी है लाइन, नो इशू। और रबर के लिए भी आउटपुट अपने को निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो 96, अब बस ये बंद होने वाली मशीन, जैसे ही 100 हो जाएगा ये मशीन बंद हो जाएगी। ओके सो वेट करते हैं 100 होने का और फिर देखते हैं। सो अभी ये मशीन हो चुकी है स्टॉप, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट भर चुकी है मशीन, इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएगी। और पावर अपनी 600 650 तक जा चुकी है। ओके सो मेरे को फटाफट इनकी आउटपुट और कनेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके गाइस फाइनली रबर वाला आउटपुट भी मैंने कनेक्ट कर दिया। और अभी एक रिफाइनरी है ना जो, वो बना रही है 20 पर मिनट, ठीक है, रबर और 20 फ्लूड बना रही है। सो अपने पास 10 मशीनें हैं, तो सीधा सीधा 200 अपना पर मिनट रबर आ रहा है बन के। ओके सो अब भी भाई 200 रबर का अपने को करना क्या है, मैं क्या करता हूँ, रबर की वैसे अपने को ज़रूरत तो है नहीं फिलहाल। सो यहाँ पे अपन एक बना देते हैं अविसम सिंह। ओके मेरे को थोड़ी सी रिइंफोर्स प्लेट चाहिए होंगी, उसके बाद यहाँ पे एक अविसम सिंह बना के उसके अंदर भेज देते हैं। और यहीं पे कहीं पे होना चाहिए ये रही। ओके सो इसके ऊपर बना दे रहा हूँ मैं ऐसे टेम्परेरी। ओके अरे एलिवेटर नहीं बनाना भाई, चलो यहाँ ठीक है। यहाँ से इसको देते हैं पावर एंड चल भाई टिकट्स जनरेट करने स्टार्ट कर दे अब तो, ठीक है। थोड़ा सा ग्लिच हो गया वॉल में बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके अभी एटलीस्ट अपनी फैक्ट्री कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी, बट अभी फ्लूड के लिए भी अपने को थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा फ्लूड के लिए। सो फ्लूड का मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे पहले ऑर्गेनाइजेशन में जाके कि स्टोरेज में यहाँ पे बना दूँ। ओ नो इसके लिए भी थोड़ा सा रिसोर्स चाहिए। ओके अभी अच्छे से अलाइन हो गया है, ग्रेट। सो अब भी भाई ये लाइन, ओ नो अभी रोड्स, यार देख रहो इसी वजह से मैंने यहाँ पे सब कुछ वो करा था, यहाँ पे लेके आया था मैं रोड्स इसके अंदर हैं, क्योंकि भाई कभी भी कुछ भी रिसोर्स ख़त्म हो जाए कोई पता नहीं, मैं बार बार फैक्ट्री तो जा नहीं सकता है ना, अदरवाइज अपन फैक्ट्री जाते रहेंगे बार बार। चल यहाँ आ जा। ओके चलो अभी अपनी सारी मशीनें एटलीस्ट स्टार्ट हो चुकी हैं, देख रहे हो यहाँ पे फ्लूड आना स्टार्ट हो गया है। और अब भी हैवी ऑयल रेजिड्यूल अपने पास आ चुका है। सो नेक्स्ट सेटअप अपने को करना पड़ेगा जो कि थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। ओके सो यहाँ पे अगर अपन चल के देखते हैं, सो अल्टरनेट वाली रेसिपी यहाँ पे है। ओके सो हैवी ऑयल रेजिड्यूल जो अपने पास है 200, ठीक है, उसके अंदर 400 वाटर मिलाना है, उसके बाद पैक्ड फ्यूल बनेगा अपना। ओके सो क्या लगता है, वहाँ से मैं लेके आता हूँ इधर है ना, सही रहेगा, इधर ले आता हूँ वहाँ से। और इस वाले एरिया पे अपन वाटर के अंदर वो करना स्टार्ट करते हैं, मे बी मेरे को ऐसा लग रहा है। ओके सो मेरे को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे जितना भी मैंने थोड़ा सा सेटअप करके रखा हुआ है। ओके मेरे को ये कुछ ट्रैक्स हटाने पड़ेंगे यहाँ से। ओके गाइस मैं इसके अंदर से ले आया हूँ, ठीक है, कंप्लीट पाइप ले आया हूँ इसके अंदर अंदर से। और यहाँ पे आ भी चुका हैवी क्रूड ऑयल। और अब भी अपने को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ वाटर एक्सट्रैक्टर बनाने पड़ेंगे। ओके और मेरे को ऐसा लग रहा कि यार अपना एपिसोड भी यार काफ़ी बड़ा हो चुका है ना। सो पावर प्लांट को बनने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही भाई, ठीक है, क्योंकि अच्छे से अपने को मैनेज करना है। और मैं ट्राई करता हूँ कि जब तक अपना नेक्स्ट एपिसोड आएगा ना, तब तक भाई यहाँ पे मैं कुछ एक्सट्रैक्टर बना लेता हूँ, ठीक है, वाटर एक्सट्रैक्टर, एंड उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे, या फिर अपन नेक्स्ट वाले एपिसोड में भी ट्राई कर सकते हैं। सो आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, आई होप पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और मैं आप लोगों से जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।